समान आयतन व समान मात्राएं, जब भिन्न भिन्न द्रव्य रहेंगे, दो वस्तुएं रहेंगे समान मात्रा में, तो उन्हें जब मिलाएंगे तीसरा मात्रा बनाएंगे तो वो किस प्रकार रहेगा वो देखते हैं। इसे दिया है क्वेश्चन कि एक व्यापारी के पास दो समान आयतन के बर्तन हैं ए और बी, जिसमें से दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 4:4:1 है और 3:1 के अनुपात में है, तो पूरी तरह से भरा हुआ है हो, तो दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में मिला दिया गया और प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमसे पूछा है। तो देखिए इस प्रकार का हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। अनुपात जो दिया है 4:1 और दूसरा दिया है 3:2 का, ये देखिए ये 5 है, दोनों का योग करेंगे, इसका दोनों का योग करेंगे तो ये भी 5 है। तो अगर दोनों समान योग वाले हैं तो पहले को पहला जो है अनुपात पहले अनुपात में ऐड कर देंगे, दूसरा वाला जो अनुपात है वो दूसरे वाले के साथ में ऐड कर देंगे, तो 4:3:1:2, तो ये अनुपात जो है हमारा हो जाएगा 7:3 का। क्वेश्चन इतना बड़ा था और आंसर इतना छोटा है। अब एक क्वेश्चन और देखने वाले हम लोग हैं। जो क्वेश्चन दिया है कि तीन बर्तन ए बी सी हैं जिनमें आयतनों में आपस में क्या है बराबर हैं, बर्तन में द्रव्य का मिश्रण है, अनुपात है 1:2, 1:3 और 1:4 के अनुपात में भरा हुआ है, तीनों बर्तनों के मिश्रण एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए तो मिश्रण में द्रव्य का अनुपात पूछा है। देखिए 1:2, दूसरा 1:3, तीसरा अनुपात है 1:4, इसका देखिए योग कितना हो रहा है 3, इसका योग 4, इसका योग 5। अब ये जो है 3, 4, 5 का एलसीएम ले लिए तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका 4, 5 और 60 हो जाएगा एलसीएम। देखो 60 को जो है इसके योग से पहले डिवाइड करेंगे 3 के योग से, तो कितना हो जा रहा है 20, तो 20 से मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे तो 15, इसमें करेंगे तो 12, यह हमें सब में क्या करना है समान योगफल लाना है, तो 3 में हम लोग कितने गुणा करेंगे जो इसके बराबर आ जाए, इसमें कितने गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाए, मतलब एक दूसरे के हर एक टर्म्स बराबर हो, तो देखिए बराबर करने के लिए हम लोग इसमें 20 से गुणा कर देंगे, इसमें 15 से, इसमें 12 से। अब देखिए जब गुणा करेंगे तो ये जाएगा 20:40, ये जाएगा 15:45, ये जाएगा ये। अब देखिए सभी का जो है समान योग वाले हो गए हैं, तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, जब ऐड करके कैंसिल आउट कर देंगे तो 47:133 का अनुपात आ जाएगा। इसे अगला दिया है असमान आयतन। क्वेश्चन दिया है कि दो बर्तन ए और बी है जिनमें आयतन में 2:3 का अनुपात है, ये दोनों बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:1 के अनुपात में है और दूसरे वाले में 4:1 के अनुपात में है, तो दोनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में मिला दिया गया है और प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमसे पूछा है। तो देखिए आयतन में क्या अनुपात है 2:3 का, देखिए बराबर नहीं है, है असमान आयतन वाला हो गया है। अब देखिए पहला जो अनुपात दिया है 3:1 का, दूसरा 4:1 का, इसका देखिए वैल्यू कितना हो रहा है जोड़ने पे, ये हो जा रहा है 4, ये हो जा रहा है 5। अब दोनों को हमें क्या करना है समान योग वाला बनाना है, तो समान योग वाला बनाने के लिए इसका जो है एडिशन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसका एडिशन है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब करने के बाद तो 4 3 12, सॉरी इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 और ये हो जाएगा 5, इसमें कितना हो जाएगा 4 4 16:4, ये 20 हो गया है, ये भी 20 हो गया है, मतलब समान योग प्राप्त हो गए। ये समान प्राप्त हो गए पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ ऐड कर देते हैं, तो 15 और 31 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अनुपात
दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाएगा 15। अब देखिए ये हो गया सामान्य हो गया। अब इसको हम लोग पहले वाले साथ करने के लिए पहले इससे पहले एक और टर्म है वो करेंगे, कंडीशन है। जो पहला वाला आयतन था पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो दूसरा वाला आयतन था वो जो है दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 30 अनुपाते 5 × 10, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 48 अनुपाते 12। अब पहले को पहले वाले साथ ऐड कर देंगे, दूसरे को दूसरे वाले के साथ ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा दूध और पानी का 78 अनुपाते 22, ये हो जाएगा 39 अनुपाते 11। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें जो आसमान रहेगा, पहले तो हम लोग पहले उसको सब योगफल जो है इसको बराबर करेंगे, फिर उसका जो आयतन रहेगा उसका जो है मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। पहले वाले का आयतन पहले वाले के साथ, दूसरे वाले जो आयतन रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद पहला वाला टर्म्स पहले वाले के साथ, दूसरा वाला टर्म्स दूसरे वाले के साथ ऐड करके आंसर दे देंगे। यहाँ पे हम लोग मिश्रण के हर एक टाइप के प्रश्न देख चुके हैं।